वायनाड केरला में अगर आप एक होम स्टे ढूंढ रहे हो तो ये एक बेस्ट ऑप्शन आपको आज दिखा रही हूँ, जो कि कॉफ़ी प्लांटेशंस और रबर के ट्रीज के सराउंडेड है। यहाँ पर आप जो है ट्री हाउस में भी रह सकते हो, जहाँ पर बहुत बड़े स्पेशियस रूम्स है, काफ़ी अच्छी सर्विस है और यहाँ पर कॉटेजेस भी है। कई सारे सिट आउट्स एरिया के साथ यहाँ पर आप बर्ड वॉचिंग कर सकते हो, फार्म में घूम सकते हो। तो चलिए आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिनल, फाइंड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अभी केरला में और केरला में वायनाड एक हिल स्टेशन है, वहाँ पर मैं स्टे ढूंढ रही थी। वायनाड इतना बड़ा है कि कंफ्यूजन हो रहा था कि स्टे करे तो कहाँ करे, और मैं ढूंढ रही थी फॉरेस्ट है और मुझे एरियाज जो है वो पता नहीं थे। तो मुझे एक वेबसाइट मिली जिसका नाम है कल्चर ट्रैवल, और वहाँ पर आप अपने वाइब के हिसाब से जो है स्टे ढूंढ सकते हो। जैसे कि आपको फॉरेस्ट स्टे चाहिए, टी प्लांटेशन में स्टे चाहिए, या फिर आपको लेक व्यू चाहिए, माउंटेन व्यू चाहिए, ऐसे सब कुछ जो है स्पेसिफिक जो है वाइब के हिसाब से स्टेज मिल जाते हैं। सो फॉरेस्ट स्टे में मुझे एक बहुत ही बेस्ट होम स्टे मिला है जिसका नाम है सुमित विस्टा होम स्टे, और यहाँ पर आसपास फॉरेस्ट है, कॉफी प्लांटेशन है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आपको जो है मैं पूरा का पूरा जो है जो होम स्टे का टूर देने वाली हूँ, जिससे कि अगर आप वायनाड में आ रहे होगे, ब्यूटीफुल स्टे ढूंढ रहे होगे, तो आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिले। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो जो स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है, उससे आपको 15% ऑफ भी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आपको इस प्रॉपर्टी टूर को जो है देना स्टार्ट कर देती हूँ। सो गाइस, कालपेटा से आप यहाँ से आते हो और यहाँ पर जाते हो, ये रास्ते की कंडीशन अच्छी नहीं है, कच्चा रास्ता है, लेकिन है ना फोर व्हीलर इजीली जाएगी, क्योंकि ये जो है ये एक कॉफ़ी प्लांटेशन है। सो यहाँ पर आप देखोगे दोनों साइड पर जो है कॉफ़ीज के ट्रीज है। सो कॉफ़ी के जो है आप इसमें रह रहे हो, प्लांटेशन मतलब खेती के बीच में रह रहे हो, सो आपको जो है बहुत अच्छी ग्रीनरी, बहुत अच्छे व्यू और काफ़ी अच्छा जो है एक्सपीरियंस मिलेगा। सो हम लोग अभी जाते हैं रिजॉर्ट्स के अंदर और आपको जो है रिजॉर्ट के अंदर क्या क्या एमिनिटीज़ है वो आपको दिखा देती हूँ। एक्चुअली ये रिजॉर्ट नहीं, होम स्टे है, लेकिन होम स्टे को इतनी अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है कि आपको लगेगा कि वाव, ये कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच का स्टे जो है वो बहुत ही वर्थ इट है। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखो ये है इसका एंट्रेंस, और यहाँ पर आपको जो है ये दोनों थोड़ी सी बड़ी प्रॉपर्टी है। सो सारे के सारे कॉटेजेस हो गए, ये थोड़ी सी दूरी पर है, जिससे कॉटेजेस को जो है अगर आप स्टे कर रहे होगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जो है डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यहाँ पर फ्लावर्स की, यहाँ पर जो कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच में सारे के सारे जो फ्रूट्स है, इसकी सारे के सारे पेड़ है, तो आपको कई वैरायटी यहाँ पर देखने के लिए, मसालों के ट्रीज की भी। सो ये देखो, ये है इसका रिसेप्शन एरिया जहाँ पर आपका चेक इन चेकआउट होगा। सो यहाँ पर जो है आप चेक इन चेकआउट करोगे, लॉन्ज एरिया यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग एरिया है। सो ये है आपका चेक इन करने का प्लेस, और उसके बाद यहाँ पर ना रिसेप्शन एरिया के सामने ही जो है रेस्टोरेंट एरिया है। सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो आपको यहीं पर सर्व किया जाता है, और फूड जो है वो आपको बाहर से ऑर्डर करना पड़ता है। सो एक दो घंटे पहले ही आप जो है ऑर्डर दे दीजिए। और रेस्टोरेंट एरिया के बगल में जो है यहाँ पर है किड्स प्ले एरिया, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे होगे, आपके साथ किड्स होगे, तो उनके लिए खेलने के लिए यहाँ पर जो है कई सारी चीज़ें हैं, जिससे कि जो है बच्चों को जो है बोर नहीं होगा। ये भी काफ़ी अच्छा है, देखो ऊपर की ओर सारे के सारे कॉफ़ी के प्लांट्स, और नीचे खेलने के लिए बच्चों के लिए कई सारी चीज़ें। सो जो डाइनिंग स्पेस है वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर जो है राइट साइड पर है स्विमिंग पूल एरिया, और लेफ्ट साइड पर है बॉनफायर एरिया।
यहाँ पर जो ठंडी के मौसम में जो है बहुत ही ठंड रहती है। सो यहाँ पर देखो लाइटिंग की गई है अच्छे से और बीच में जो है बॉनफायर होने वाला है। एक्चुअली अभी मानसून है इसकी वजह से बॉनफायर नहीं होगा, लेकिन मैं अभी आपको जो है स्विमिंग पूल एरिया दिखा देती हूँ जो कि काफ़ी बढ़िया है। सो यहाँ पर देखो अपोजिट साइड पर है स्विमिंग पूल एरिया, जहाँ पर किड्स पूल अडल्ट पूल दोनों भी है। यहाँ पर आप जो है शॉवर एरिया वहाँ पर दिया गया है, जहाँ पर आप जो है चेंज करके शॉवर लेकर स्विमिंग करने वाले हो। काफ़ी नीट और क्लीन जो है शॉवर एरिया है, किड्स के लिए अलग, अडल्ट्स के लिए अलग, बड़ा पूल है तो अगर ग्रुप भी होगा तो इजीली स्विमिंग कर पाएगा। चारों तरफ से जो है प्लांट्स लगाए हैं, प्राइवेसी हो जाती है, काफ़ी मज़े करोगे आप। तो स्विमिंग पूल एरिया भी जो है वो काफ़ी बेस्ट है। तो मैं अभी आपको जो है और दूसरे जो कॉटेज और जो ट्री हाउस है वो दिखा देती हूँ। सो यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो ऊपर दो कॉटेजेस है, तो जैसे कि मैंने बताया 6 कॉटेज है, पाथवे बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है मेन चीज़ आपको बताऊँ, पाथवे ब्यूटीफुली बना गए जिससे जो है आप इजीली यहाँ से वहाँ से जा सकते हो। प्लांटेशन की अच्छी तरह से ख्याल रखा है जिससे जो है आपको जो है नीट और क्लीन सारी प्लेस लगेगी, अट्रैक्टिव लगेगी। सो ये रहा एक दूसरा कॉटेज। कॉटेजेस सेम है, बाहर की तरफ वरांडा जहाँ पर बैठ सको, अंदर की ओर रूम्स और आसपास भी स्पेस थोड़ी सी ओपन छोड़ी गई है। उसके बाद ये एक कॉटेजेस इसके अपोजिट साइड पर, देखो कितनी दूरी पर है, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो इन लोगों ने ना एक है ना गजीबो, नेचुरल गजीबो टाइप बनाया है, जहाँ पर है ना नीचे मड है अच्छे से, जो ओरिजिनल जो सिटिंग होती है वैसे टाइप को आपको ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। पीछे के साइड पर देखो माउंटेन है, सुपारी की बाग है, बहुत बड़ा एरिया है फार्म का। सो वहाँ पर बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते, एक अलग सा पॉइंट दिया गया है, हैमॉक भी दिया गया है। सो उसके बाद जो लास्ट जो रूम है वो है ये देखो, ये वाली जहाँ पर अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं। यहाँ पर ना हम लोग जब सुबह उठते हैं तो यहाँ पर इतने सारे बर्ड्स दिखाई पड़ते हैं कि पूछो ही मत। सो ये रहा ट्री हाउस जो कि बहुत ही अच्छा है, और इसके सामने देखो पॉन्ड है, तो पॉन्ड में जो है आपको काफ़ी अच्छा ऊपर से व्यू नज़र आता है। सो मैं अभी आपको जो है ऊपर का रूम टूर जो है वो दे देती हूँ। सो यहाँ पर बैठने के लिए चेयर्स रखे गए हैं, एक्स्ट्रा चेयर्स। उसके बाद ये है किंग साइज बेड, और बेड से जो है साइड टेबल्स दिए गए हैं, स्विचेस दिए गए हैं, ब्यूटीफुल लैम्प ऊपर की ओर भी देखिए, काफ़ी खूबसूरत से लैम्प है। वार्डरोब दिया गया है, केटल पाउचेस जिसे आप अपनी कॉफ़ी बना सकते हो। और यहाँ से जो व्यू है ना वो बहुत ही फैंटेस्टिक मिल रहा है। रूम की साइज़ काफ़ी बड़ी है, ये मेन ग्लास डोर है जिससे कि अगर आपके ग्लास जो है कर्टन हटा दो फिर भी आपको जो है व्यू ज़बरदस्त नज़र आएगा। सामने की तरफ टीवी और एक विंडो, एसी रूम है ये। उसके बाद ये रहा वॉशरूम, शॉवर दिया गया है और क्लीनेस्ट वॉशरूम है यहाँ पर। सो ये बेस्ट पार्ट है। सो आप देखिए काफ़ी अच्छी रूम जिससे बहुत ही ज़बरदस्त व्यू मिल रहा है। सो वो है ट्री हाउस और चिन्मय वहाँ पर खड़े हैं। हेलो, सो देखो कितना बढ़िया ट्री हाउस है, आसपास कुछ भी हाउसेस नहीं है, ग्रीनरी ग्रीनरी है। घूमते बैठते और रिलैक्स करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लाइटिंग की गई है, शाम को तो ये रिजॉर्ट जो है और भी खूबसूरत लगने लगता है। अगर आप विंटर में आ रहे हो तो आपको बॉन फायर भी यहाँ पर जो है शाम को मिलने वाला है, आप उसे भी जो है इंजॉय करते हुए जो है गप्पे लड़ा सकते हो। दूसरे दिन मॉर्निंग जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, जहाँ पर हम लोग जो है सुबह उठकर जब सुबह का माहौल देख रहे थे बहुत ही अच्छा था, बारिश होके गई थी, फार्म में हम लोग जो है घूमने के लिए भी गए थे। उसके बाद यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट जो है वो काफ़ी टेस्टी था, क्योंकि जो केरला ब्रेकफास्ट था वो हम लोगों को दिया गया था, जो था इडियप्पम जो कि सेवैया की तरह एक पराठा रहता है। और उसके बाद यहाँ पर चने की सब्ज़ी दी गई थी। अगर आप यहाँ पर 2-4 दिन के लिए रहने के लिए आ रहे होगे तो आपको हर रोज़ जो है अलग अलग जो है केरला ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा।
ब्रेड बटर टोस्ट भी था यहाँ पर अवेलेबल। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी तो बहुत ही जबरदस्त है, मुझे सच में काफी पसंद आई। और ना यहाँ पर जो सुबह मतलब जो रूम्स है, आपको जो रिलैक्सेशन, जो व्यू मिल जाता है ना, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। अलग अलग तरीके के बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पीकॉक्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मौसम बड़ा अच्छा है, कभी धूप कभी बारिश ऐसा वाला। और ये जो पूरा का पूरा होमस्टे है ना, इसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, सर्विस काफ़ी अच्छी है। सो इसके प्राइस के बारे में बता देती हूँ। वैसे हम लोग जो है ट्री हाउस में स्टे कर रहे थे, मैंने इनको पूछा कि हम लोगों को रूम देखने के लिए मिलेगी क्या, अगर एक कुछ खाली हुई तो मैं आपको वो भी शो करा देती। लेकिन सारे के सारे रूम्स जो है वो फुल है। मोस्टली लोग जो है अभी, पहले लोग क्या सोचते कि यार ठंडी के मौसम में जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन अभी मॉनसून, हर एक सीज़न में जो है टूरिस्ट घूमते रहते हैं, तो मॉनसून में वायनाड में लोग जो है वो ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर की जो प्राइस है, मैंने जो ट्री हाउस जो है बुक किया है वो बुक किया है 4,200 रुपीज़ में, जिसमें मैंने अपना कूपन कोड ये सब कुछ डालवा कर, मतलब इसकी जो प्राइस है अराउंड 4,000 to 5,000 के बीच में है, और मेरा कूपन कोड यूज़ करके वो 4,200 तक हो गया था। और जो बाकी के कॉटेजेस है उसके प्राइस भी ही उसी के आसपास है। सो आप भी जो है बुक करेंगे कूपन कोड यूज़ करके, तो प्राइस जो है इसके बीच में ही आपको मिलने वाली है ऑब्वियसली। और प्राइजेस जो है वो सीज़न वाइज थोड़े से चेंज हो जाते हैं हर जगह के, पूरा इंडिया में जो है सीज़न के वाइज से जो है प्राइजेस चेंज होते रहते हैं। उसके लिए आप जो है कल्चर ट्रैवल की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर जो है वो चेक कर सकते हो। वहाँ पर और भी यूनिक यूनिक से ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। हर एक जो है रिजॉर्ट ऑप्शन में आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो कौन से भी, सो उसमें भी आपको 15% ऑफ हो जाएगा। सच में एक बार तो विजिट करके ज़रूर देखिएगा उस वेबसाइट पर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये बहुत सॉर्टेड है, जिससे मुझे मेरा काम जो है वो बहुत ही इजी हो गया। और ऐसे ही अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स पाने के लिए जो है आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।